हेलो नमस्कार दोस्तों, 10 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम जो मेंसा क्वेश्चन है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट है वो कर सकते हो। तो चलिए हम हमारे डिस्कशन की तरफ चलते हैं। आज सबसे पहले जो एक आर्टिकल आया है वो अहम अली डेड विद डिग्निटी के बारे में, कि जो आर्टिकल क्या है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या जो पॉइंट हैं जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम उन पॉइंट को यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। देखो आर्टिकल में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि भाई पैसिव यूथनेशिया वो अलाउ कर दिया गया है। इसी के साथ जो जिंदगी की वसीयत की बात थी, लिविंग विल की थी, वो भी अलाउ कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये दो सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी बड़े डिसीजन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच थी 5 सदस्यों की, उसके द्वारा ये निर्णय वो लिया गया है। तो इस आर्टिकल के जो पॉइंट है वो देखते हैं। तो हम ब्रीफली पहले बैकग्राउंड के साथ इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई यूथनेशिया होता क्या है और क्या पैसिव यूथनेशिया है और क्या एक्टिव, सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखो इस चीज़ को हम समझते हैं एग्जाम्पल के, जैसे कोई भी एक इंसान है, जैसे कोई एक पर्सन ए है, अगर फॉर एग्जांपल उसको एक्सीडेंट या कुछ भी उसकी ऐसी कंडीशन हो गई कि वो ठीक नहीं हो पा रहा है, मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह है बट वो ठीक होने के उसके चांसेस ना के बराबर है, मतलब उसकी स्टेज है वो ऐसी कंडीशन में है कि वहाँ से उसके ठीक होने की उम्मीद है ना के बराबर, क्या मतलब ठीक हो ही नहीं सकता, रेयर एंड रेयर कैसे कि वो ठीक हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो क्या करें, या तो उसके पास वो मेडिसिन वगैरह जो वेंटिलेटर वगैरह यूज़ कर रहा है उसका यूज़ ना करे ताकि वो आराम से मर जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास ये होता है कि वो कोई ऐसा जहर वगैरह का कोई भी ऐसा इंजेक्शन वगैरह ले ले जिसके द्वारा उसकी मौत है वो हो जाए। क्योंकि देखो अगर वो काफ़ी पीड़ा में है, काफ़ी दर्द हो रहा है उसको, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, फैमिली वगैरह काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। मतलब ये काम केवल होता है उसी कंडीशन में जब इंसान की लाइफ मतलब एक तरह से ख़त्म हो गई है, हाँ भैया पता चल गया है कि ये वापस ठीक है वो नहीं हो सकता, ये उसी कंडीशन में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूथनेशिया। तो देखो हमारे देश में दो तरीके के यूथनेशिया होते हैं, हमारे देश में नहीं मेनली यूथनेशिया होते हैं दो तरीके के, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब ये होता है कि जो भी पेशेंट जो ठीक नहीं होने वाला है, मतलब जो इंसान जो प्रेजेंट जो वेजिटेटिव स्टेज है उसमें पहुंच गए, प्रेजेंटिव वेजिटेटिव स्टेट का मतलब ये होता है कि एक स्थिर अवस्था, जैसे स्थिर नहीं बोलते कैसे कि शरीर स्थिर हो जाता है, मतलब कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं होता, जैसे कोमा की एक स्टेज होती है उसी का एक पार्ट बोल सकते हो। कोमा का थोड़ा सा अलग होता है बट वेजिटेटिव स्टेट थोड़ी उससे अलग होती है, मतलब इंसान ऐसा हो गया कि भाई वो कोमा से भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है, अब उसके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर है। तो उसके दो रास्ते हैं उसके पास, पहला तो एक एक्टिव यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया में ये हो गया कि भाई उसको कोई जहर वगैरह का इंजेक्शन वगैरह दे दिया जाए जिससे उसकी मौत हो जाए आराम से, ताकि वो उसको आत्मा से मुक्ति मिल जाए, एक तो कंडीशन होती है वो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई उसको जो सपोर्ट दिया गया है ना, जैसे कि उसको कोई मशीन वगैरह लगा के वेंटिलेटर वगैरह लगा रखा है ताकि उसकी वजह से वो जिंदा रह रहा है, उस सपोर्ट को हटा लिया जाए, मतलब उस सपोर्ट को हटा दिया जाएगा तो अपने आप उसकी मौत है वो हो जाएगी, मतलब जीवन रक्षक जो उपकरण है उसको हटा लिया जाए तो जो मौत हो जाती है उसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। तो अभी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, जो डिसीजन दिया है, उसमें एक आगे भाई पैसिव यूथनेशिया वो अलाउ किया गया है, एक्टिव यूथनेशिया ध्यान रखना कि अभी भी हमारे देश में अलाउ नहीं है। तो इस चीज़ में हमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आती है कि 5 सदस्यों की संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बेस थी उसके द्वारा यह निर्णय है वो लिया गया, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बन जाता है। अब देखो इसके बाद एक पॉइंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है आर्टिकल 142 के तहत, उसके तहत ये बात कही गई है कि भाई जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक नया कानून नहीं बनाएगी तब तक सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं वही कानून के तौर पे काम करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही कंटिन्यू रहेगा जब तक गवर्नमेंट अपना कोई नया कानून इस चीज़ पे नहीं बना देती है। तो उस चीज़ को लेकर आर्टिकल है। अब इसके बारे में हम देखें पूरा सीन क्या है, जो सीन हमने यहाँ पे मैन डिस्कस किया, जो सारा मुद्दा वो देख लिया है। इसके बाद में एक बात हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन और दिया है, वो दिया है लिविंग विल का। अब लिविंग विल क्या है वो देखते हैं। लिविंग विल का मतलब ये है कि से कोई भी इंसान है वो एकदम हेल्दी है, मतलब हेल्दी इंसान है, उसको कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल एकदम मेंटली एबल है, कोई ऐसा डिसेबल्ड वगैरह कोई ऐसा फीचर नहीं है। इसके अलावा उसकी एज है वो 18 साल से ऊपर, मतलब वयस्क है और एकदम हेल्दी लाइफ है। तो उस कंडीशन में वो अपनी एक वसीयत लिख सकता है कि भाई अगर फ्यूचर में मेरी हालत ऐसी ख़राब हो जाएगी, मतलब मैं मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मुझे पैसिव यूथनेशिया दे जाए, मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में जो वसीयत लिख दे उसको बोलते हैं लिविंग विल, या अपनी ज़िंदगी की वसीयत के बारे में। तो वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी है कि भाई लिविंग विल है वो भी अलाउ है, अब आगे से इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें सामने हमारी आती हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन ऐसा क्यों आया अभी, ये इसलिए है कि देखो हमारे संविधान में ये लिखा हुआ आपको, तो आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई कोई भी इंसान है ना वो अपनी लाइफ है वो डिग्निटी के साथ जिए, मतलब अपनी लाइफ है वो सम्मान के साथ जिए, ऐसा नहीं है कि वो तड़प तड़प के जिए। तो राइट टू लाइफ फिर डिग्निटी की बात आती है, तो इसका मतलब क्या है कि इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है तो डिग्निटी के साथ जिए, ऐसे नहीं कि रो रो के डेली परेशान होकर जी रहा है। अगर वो इंसान जो कोमा में है अगर वो ठीक होने की उसकी उम्मीद नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में अच्छा ये कि वो उसको मौत है वो हासिल
स्थिर हो जाए ताकि वो परेशान ना हो। तो इसलिए राइट टू लाइफ भी डिग्निटी की बात आती है, तो इसलिए इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई उसकी मौत है वो हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है सामने, वो ये आता है कि देखो स्टेट की जिम्मेदारी क्या होती है। स्टेट की जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी पर्सन है या जो जनता है, जनता को वह हेल्थी सर्विस वो प्रोवाइड करे, मतलब जनता की जीवन रक्षा की जिम्मेदारी होती है वो होती है स्टेट की। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को और ये मिल रही होगी कि भाई अगर स्टेट की जिम्मेदारी है जीवन रक्षा करने की, तो स्टेट कैसे मार सकता है किसी इंसान को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर की है कि भाई देखो किसी भी इंसान की जो पर्सनल लाइफ है डिग्निटी वाली, वो सबसे ऊपर रखी जाएगी। स्टेट की जो स्टेट का जो हित की बात आती है ना, मतलब राज्य हित की, जैसे कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की जीवन की रक्षा करे, वो जिम्मेदारी यहाँ पे बाद में आती है। सबसे पहले बात आती है उस इंसान के पर्सनल हित की, अगर वो इंसान अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ नहीं जी रहा है तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद जो जीवन रक्षा की बात आती है स्टेट की, वो मुद्दा रखा जाएगा सेकंड नंबर पे। तो इसलिए वर्डिक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सारा जो मुद्दा, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। अब देखो लिविंग विल में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक दो पॉइंट और डिस्कस किए हैं कि भाई लिविंग विल किस तरीके से अलग होगी, क्या सीन है उसका। जैसे कोई भी इंसान है अगर वो हेल्दी है, जैसे 20 साल की एज में उसने अपनी वसीयत लिख दी कि हाँ भाई अगर फ्यूचर में मेरे साथ अगर यूथनेसिया की कंडीशन आ जाती है तो मुझे पैसिव यूथनेसिया वो अलाउ कर दिया जाए, तो उस वसीयत का यूज हो क्या जा सकता है। अब वसीयत का यूज हो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात ये आती है कि जो वसीयत है वो डॉक्टर साहब देखेंगे, इसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा वेरीफाई करवाएंगे। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई साइन वाइन ठीक है, नहीं कोई फर्जी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि फैमिली के कुछ लोगों पैसे वगैरह के रीजन से फर्जी वगैरह काम करवा रहे हो, तो वो वेरीफाई होगा। इसके बाद में क्या होगा, एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा हॉस्पिटल में, 20 सदस्य होंगे उसमें सीनियर, मतलब काफ़ी वरिष्ठ लोग होंगे, 20 मेडिकल जो डॉक्टर्स होंगे उनके द्वारा पैनल बनाया जाएगा जो डिस्कस करेगा, और जो पेशेंट है उसके घर वालों वगैरह से उनसे भी डिस्कस करेगा कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, सारा मामला आपस में सेटल में बातचीत वो की जाएगी, और जो भी सोल्यूशन है उसकी तरफ अग्रसर हो जाएगा। इसके बाद में जो भी डिसीजन आ रहा है वो जाएगा कलेक्टर के पास, तो कलेक्टर क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, 3 सदस्यों का पैनल मिलेगा, 3 विशिष्ट मतलब काफ़ी जो स्पेशल डॉक्टर हैं उनका पैनल बनाएगा, और उसके बाद वापस वेरीफाई करेगा, देखेगा कि हाँ भाई ठीक होने के चांसेस नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो जीवन रक्षक उपकरण उस पेशेंट को लगाए गए हैं, जैसे कि वेंटिलेटर वगैरह लगाए हैं, ऑक्सीजन मास्क कुछ भी ऐसा लगाए हैं, उनको हटा लिया जाएगा धीरे धीरे, ताकि वो इंसान तड़प तड़प के ना मरे, आसानी से मर जाए। ये इस सारी प्रक्रिया वो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, किस तरीके से सारे काम प्रक्रिया वो काम करेगी। तो हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख लेंगे, भाई लिविंग विल किस तरीके से काम करेगी, और जो रही बात है एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया की, वो भी हमने सारे पॉइंट यहाँ पे देख लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है ट्रेड वार के बारे में। ऐसा आर्टिकल हमने इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स थे वो हमने 5 मार्च को भी डिस्कस किए थे, तो आज के आर्टिकल में क्या है वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि यूएसए है, यूएस के जो राष्ट्रपति ट्रंप महाशय हैं, उन्होंने आजकल अपनी जो प्रोटेक्शन की जो पॉलिसी है उसकी वजह से पूरे विश्व में तहलका वो मचा रखा है। अभी उन्होंने नया कंटेक्स्ट दिया है कि उन्होंने स्टील और जो एल्यूमिनियम जो कि यूएसए इंपोर्ट करता था मेनली इंडिया और चाइना से, उसके ऊपर आयात शुल्क वो लगा दिया, मतलब इंपोर्ट टैक्स ड्यूटी वो लगा दिया 10%। तो इससे होगा क्या, इसका सारा पॉइंट हम देखते हैं। देखो इससे इसको भी हम थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये मान लो कि इंडिया और जो चाइना से स्टील जा रहा था यूएसए में, वो जा रहा था 100 रुपये पर केजी के हिसाब से, इंडिया वाला भी 100 जा रहा था, चाइना वाला भी अप्रोक्सीमेट 100 रुपये पर केजी जा रहा था, जबकि यूएसए की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो स्टील का प्रोड्यूशन उत्पादन कर रही थी 150 रुपये। ये मान लो कि 150 रुपये की उनके वहाँ पे कॉस्ट पड़ रही थी, तो मतलब वो तो बेच रहे हैं अप्रोक्सीमेट 150 के आसपास, और इंडिया वाले वहाँ पे 100 रुपये में भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया और चाइना के जो स्टील है वो वहाँ पे ज़्यादा बिकेगा। तो इस कंडीशन में ट्रंप ने क्या किया भाई जो इंडिया और चाइना से जो प्रोडक्ट आ रहा है ना स्टील वाला, इसके ऊपर वो लगा दिया, टैक्स लगा दिया। जैसे यहाँ तो भी 10 है, तो यहाँ मान लो कि लगा दिया कि 40% लगा दिया, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। तो होगा क्या कि इंडिया और चाइना से जो स्टील जा रहा है यूएसए, उसकी रेट वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उस पर टैक्स लगा दिया ऑलरेडी, टैरिफ बैरियर लगा दिया गया, तो अब वहाँ पे क्या होगा, टैक्स जो स्टील की रेट है वो बढ़ जाएगी, तो उससे वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको भी थोड़ा मौका मिल जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो आगे बढ़ेंगी, ऐसा ट्रंप का सोचना है। बट यहाँ पे राइटर उस चीज़ को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई ये जो ट्रेड वार बना है ना, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि देखो एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रोटेक्शन की पॉलिसी है। मतलब ट्रंप क्या चाह रहे हैं कि बाहर की कोई भी कंट्री है वो एक्चुअली यूएसए में कोई भी एक्सपोर्ट है वो ना कर सके, मतलब यूएसए के अंदर बाहर की कंपनी से कोई सामान नहीं जाए। तो ऑब्वियसली अगर यूएसए ऐसा करा तो बाकी कंट्रीज भी ऐसा करेंगी, मतलब इंडिया और चाइना भी ऐसा करेंगे, हाँ भाई यूएसए से कोई भी सामान इंडिया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर सभी कंट्रीज के अपन पर्सनल हित होते हैं तो इसलिए वो सभी कंट्रीज अपने अपने लालच से वो देखेंगी। तो इसलिए इंडिया भी बोलेगा कि भाई यूएसए जो प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए, ताकि यूएसए से प्रोडक्ट है इंडिया में ना ही, और इंडिया की इंडस्ट्रियाँ जैसे बढ़े। जैसे कि एक बार मुद्दा आया था WTO में इंडिया के सोलर पैनल का, कि इंडिया में जो सोलर पैनल बनाए जाते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, जबकि यूएसए के जो सोलर पैनल होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। बट इंडिया ने बोला कि भाई देखो हम हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए हम यूएसए के द्वारा जो उत्पादित सोलर
सोलर प्लेट है उसको हम नहीं खरीदने वाले। तो बट उसका काफ़ी मुद्दा फिर गया था, फिर उसको इंडिया में एक बार मात भी खानी पड़ी थी, फिर उसका वापस सारा केस चला था। तो वो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि तरह से ट्रेड वार वो स्टार्ट हो गया है। मतलब इंडिया भी अब तरीके से टैक्स लगा देगा यूएस के जो चीज़ें इंडिया में आती हैं उन पर, कि हाँ भाई हम भी आपकी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, यूएस ने लगा दिया। इसके बाद यूके वगैरह बाकी सारी कंट्रीज आपस में टैक्स लगाना शुरू कर देंगी। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि एक कंट्री का प्रोडक्ट वो दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट नहीं जाएगा। तो इससे एक तो क्या कि जो ग्लोबलाइजेशन है हमारा उस पर बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, और क्या होगा जो प्रोडक्ट है उनमें क्वालिटी का भी थोड़ा इशू रहेगा। अब देखो एक ये बात है कि वो बात बिल्कुल सही कही है यहाँ पे कि भाई यूएसए की जो स्टील और जो एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है ना काफ़ी घाटे में जा रही है और उनका इतना फायदा नहीं हो रहा है। बट एक बात आप ये तो देखें ना कि इंडिया और जो चाइना है उनकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सस्ती है और उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो ऑब्वियसली वहाँ के कस्टमर को तो नुकसान होगा ना अगर इंडिया के प्रोडक्ट उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और सस्ती भी है। तो ऑब्वियसली हर कंट्री है, हर जो कस्टमर वो तो यही चाहता है ना कि उसको सस्ते प्रोडक्ट मिले और क्वालिटी भी अच्छी मिले। तो इससे कहीं ना कहीं कस्टमर को समझौता करना पड़ेगा और कस्टमर को वो चीज़ें महंगी मिलेगी, तो इससे कस्टमर में भी नुकसान होने वाला है। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। इसके बाद में बात आती है टीपीपी की, देखते हैं कि देखो टीपीपी का मुद्दा आता है तो होता क्या है कि ट्रंप वहाँ से हैं, वो आपको पता है कि टीपीपी से पीछे हट चुके हैं। तो टीपीपी का एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके मेंबर हैं, क्योंकि यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ सकती है, आजकल काफ़ी हवाओं में सुर्खियों में डेली रहता ही है, दो चार दिन में इसके बारे में न्यूज़ वो आ जाती है। तो टीपीपी में मेनली कनाडा है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना कि यूएसए साहब टीपीपी में बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा हुआ, इसके बाद मेक्सिको हुआ, फिर यहाँ पे चिली वगैरह ही कंट्रीज़ हैं। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे छोटी छोटी जो सिंगापुर जो कंट्री है वो है, इसके साथ ही वियतनाम है, इसके साथ जापान है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना कि भाई इंडिया और चाइना दोनों ही टीपीपी के पार्ट वगैरह नहीं है। थोड़ा बेसिक आइडिया आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि टीपीपी के मेंबर हैं वो कौन कौन है, टीपीपी है क्या क्या। टीपीपी मेनली है कि जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, मतलब जो पैसिफिक ओशियन के जो नियर वाले जो कंट्रीज़ है ना, उनका एक्चुअली आपस में ग्रुप बनाया गया कि हाँ भाई हम आपस में ट्रेड हो कर सकें, स्मूथली ट्रेड हो, फ्री ट्रेड हो, ताकि बात दोनों जैसे ऐसे होता है कि कोई भी दो कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, अगर उसमें टैक्सेस वगैरह कम होंगे तो मतलब क्या होगा, दोनों में टैक्स जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उस ट्रेड को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए ही गवर्नमेंट जो आपस में टीपीपी है उसको लेके आ गया था। बट 2015 में ट्रंप ने तो इससे नाका है, वो मोड़ लिया था। वो सारा केस हमने डिस्कस भी किया हुआ है काफ़ी बार पहले। तो अभी जो कंटेक्स्ट ये है कि जो बाकी कंट्रीज है ना, जैसे जापान वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कनाडा वगैरह, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, यूएसए हट गए पीछे, बहुत अच्छी बात है, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे और हम हमारे बेनिफिट के लिए इसे आगे कंटिन्यू रखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यूएसए हट गया तो अब सब कुछ खत्म हो गया। तो वो सारा पॉइंट्स भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो मेनली इस आर्टिकल के जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश की है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। एक्चुअली यह जो आर्टिकल है ये हमने लाइव मिंट में भी आया था, और इसी के साथ यह जो आर्टिकल है यह दो दिन पहले द हिंदू के एडिटोरियल में भी आया था, तो वहाँ इसको हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आज हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो उसी के साथ क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग GS3 के लिए, तो ये पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट होता है। देखो मेनली केस स्टडी आई थी एक, वो हम इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तभी ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आएगी। जैसे ये मान लो कि एक इंसान है, उसकी चिप्स बनाने की फैक्ट्री है। अब ऑब्वियसली चिप्स बना रहे तो आलू की तो उसको ज़रूरत होगी। अब आलू की अगर उस इंसान को ज़रूरत है वो क्या करेगा, तो वो बेचारा ये करेगा कि भाई किसान के पास जाके आलू वगैरह खरीदेगा या खरीदेगा। अब देखो मार्केट में आपको पता है कि आजकल जो रेट वगैरह वो काफ़ी मतलब वेरी करती रहती हैं। कभी तो आलू है वो 5 रुपये किलो हो जाता है, कभी 20 रुपये किलो, कभी 30 रुपये किलो, मतलब आलू की रेट में काफ़ी फ्लक्चुएशन आता रहता है। तो इससे दिक्कत क्या होती है, किसान भी बहुत परेशान रहता है कि यार परेशान कर दिया आलू की खेती, नहीं तो कभी तो 5 रुपये किलो बेचना पड़ता है और कभी 20 रुपये किलो है, तो मेरे को तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसके साथ ही कई बार क्या होता है, जो दुकान वाला है उसको भी दिक्कत होती है चिप्स वाले को कि यार कभी तो आलू 20 रुपये किलो मिला तो मेरा मुनाफा नहीं होता, कभी 5 रुपये किलो, तो मैं बड़ा मतलब परेशान रहता हूँ कि एक रेट फिक्स ही नहीं है। तो इसलिए वो क्या करेगा, जो दुकान वाला चिप्स बना रहा है वो गया किसान के पास और उसने क्या कॉन्टेक्ट कर लिया कि देखो भाई पूरे साल भर आलू की रेट है वो अप्रोक्सीमेट 5-10, मतलब एक रेट उसने रेट फिक्स कर ली कि भाई हाँ जैसे कि 15 रुपये पर केजी कर ली कि भाई आलू की जो रेट है वो अप्रोक्सीमेट 15 रुपये पर केजी कर लेते हैं, चाहे मार्केट में रेट 100 रुपये केजी हो चाहे मार्केट में रेट 1 रुपये केजी हो, मैं आपको 15 रुपये पर केजी के हिसाब से टमाटर मतलब कॉन्टेक्ट कर लिया कि किसान के साथ दुकान वाले ने कि हाँ भाई मैं आपसे आलू इस रेट पे खरीदने वाला हूँ, एक कॉन्टेक्ट हो गया। तो इसकी वजह से फायदा क्या होगा, इसकी वजह से फायदा किसान को भी होगा और जो फायदा है वो दुकान वाले को भी होगा। दुकान वाले को फायदा ये होगा कि भाई उसको आलू एक फिक्स रेट पे मिलेंगे, ताकि उसका डेली का टंटा नहीं रहेगा कि यार आज आलू महंगे मिल रहे हैं तो आज तो मेरे को चिप्स में मुनाफा नहीं हो रहा। और इसका फार्मर को ये हो जाएगा, भाई फार्मर भी निश्चित हो जाएगा कि यार ठीक है मेरे आलू बन रहे हैं, कोई बात नहीं है, मार्केट में मेरे को सप्लाई से मार्केट में पैसे मिले या ना मिले, मेरे को तो इस इंसान को देने आलू तो मेरा भी काम है वो बन रहा है। तो मतलब किसान को भी लॉस नहीं होगा और जो कस्टमर है, जो मतलब
व्यापारी है उसको भी लॉस नहीं होने वाला। तो ये था एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस करने की, मतलब केस स्टडी के फॉर्म में इसको थोड़ा डिस्कस किया है। अब देखो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, इसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ नुकसान है वो भी हम देखेंगे। जैसे फायदे तो हमने देख लिए कि किसान के ऊपर जो कई बार डिस्ट्रेस आ जाता है कि यार पता नहीं आलू बिकेंगे नहीं बिकेंगे, इस बार मैं फसल बोऊँ नहीं बोलूँ, और कई बार मार्केट में काफ़ी मंदी रहती है तो उस कंडीशन में काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ टेक्नोलॉजी का भी विकास होता है। टेक्नोलॉजी का विकास किस तरीके से होता है, देखो आप इसे एग्जांपल इसी एग्जांपल से ले लो। एग्जांपल जैसे जिस आलू कमलाने की चिप्स बनाने की जो फैक्ट्री या जो दुकान थी, ओबियसली उसको आलू अच्छी क्वालिटी के चाहिए, भाई मेरे को इतने बड़े आलू चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो किसान को थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी देगा कि यार आप इस तरीके से ये चीज़ है यूज़ करो, ऐसे ऐसे अगर आलू बोगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो मतलब किसान को एक तरीके से टेक्नोलॉजी भी तो मिल रही है ना, तो किसान को इससे फायदा भी हो रहा है और जो दुकान वाला इसके इंटरेस्ट भी सब हो रहे हैं। दुकान वाले को तो यही चाहिए ना कि भाई मेरे को आलू इतने बड़े आलू चाहिए, ऐसी ऐसी क्वालिटी चाहिए। तो किसान को भी फायदा हो रहा है और इसको भी फायदा हो रहा है, तो दोनों तरफ फायदा होता है। अब चैलेंजेस क्या है इसके सामने, चैलेंजेस इसके सामने सबसे बड़ी बात यह होती है कि देखो कि जो किसान है ना वो व्यापारियों पर निर्भर जाते हैं। देखो होगा क्या, स्टार्टिंग में चलो आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, बट कई बार क्या है जो ट्रेडर्स हैं ना वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे कि नहीं भाई मेरे को तो आलू है ना, मेरे को तो आलू है वो 15 सेंटीमीटर का ही चाहिए, ऐसा छोटा नहीं चाहिए, ऐसा गोल चाहिए, ये चाहिए, मतलब बार बार पे वो नुक्स निकालना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, किसान की जो मेहनत है वो सारी बेकार चली जाएगी और किसान को एक तरीके से हरासमेंट है होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही होगा कि कई बार क्या जो ट्रेडर्स हैं वो रेट कम लगा देंगे कि भाई देखो हम तो आपसे इस रेट पर खरीदने वाले हैं, अगर आपको बेचने तो बेचो, नहीं बेचने तो मत बेचो। तो मतलब एक तरीके से किसानों की मजबूरी का फायदा है वो उठाया जा सकता है। एक आएगा मोनोकल्चर की बात आती है कि मोनोकल्चर का सीन ऐसे है कि किसान क्या है, किसान ने ट्रेडर से डील कर रखी है कि हाँ भाई आलू मैं आपको बेचूंगा। अब इसमें सीन ही हो गया कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा आलू की खेती बोएगा कि हाँ यार मेरे को आलू में ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तो मैं ये खेती बोता हूँ। अगर किसान बार बार आलू ही बोएगा एक ही ज़मीन में तो उससे क्या होगा, ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो फर्टिलिटी का भी नुकसान होगा। इसके बाद में आते हैं टेक्नोलॉजी के लीकेज के बाद, टेक्नोलॉजी का लीकेज भी हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है, जैसे देखो जो ट्रेडर था जो व्यापारी था उसने तो किसान को टेक्नोलॉजी दी कि भी आप इस तरीके से आलू बो ताकि आपके आलू की क्वालिटी अच्छी हो और मुझे इसका फायदा हो, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। बट हो सकता है कि किसान है वो टेक्नोलॉजी अपने किसी दूसरे को दे दें, तो देखो इससे तो जो ट्रेडर है उसके तो इंटरेस्ट का नुकसान होना, वो अच्छी बात है कि किसान को तो फायदा हो रहा है, कोई बात नहीं किसान को टेक्नोलॉजी मिली। बट आप एक बार जो ट्रेडर है उसके नज़रिए से भी देखो ना कि व्यापारी का तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि उसने तो टेक्नोलॉजी बड़ी मेहनत से टेक्नोलॉजी में काफी सारा पैसा खर्च होता है, तो उसने तो टेक्नोलॉजी लेके आया वो, और जो किसान को उसने टेक्नोलॉजी दी वो तो उसकी खुद की पर्सनल टेक्नोलॉजी थी, तो उससे तो उसको बहुत उसके जो इंटरेस्ट है उसका नुकसान हो सकता है। तो वो सारा पॉइंट यहाँ पे आता है, मतलब किसान के जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं से आपस में टकरा जाते हैं। इसके साथ ही बात यह आती है कि जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है उन दोनों में भी कई बार नुकसान होता है। जैसे क्वालिटी और क्वांटिटी में ही नुकसान होता है, जैसे कई बार हो सकता है कि आलू की जो साइज है वो मतलब सही नहीं हो, जैसे कि भाई बारिश वगैरह कुछ ऐसा रीजन हो गया जिसकी वजह से आलू की जो क्वालिटी है वो बढ़िया नहीं रही हो और क्वांटिटी में भी काफ़ी बड़ा इशू आ सकता है, उसकी वजह से काफी सारा नुकसान है वो हो सकता है। तो ये तो थे चैलेंजेस। इसके बाद में देखते हैं रेगुलेशन की, भाई अब गवर्नमेंट को किस तरीके से स्टेप उठाने चाहिए, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट है वो स्टेप उठा सकती है। इसके लिए सबसे पहली बात ये आती है कि इंडिया की जो मतलब एक पहले एक्ट भी बनाया गया था वो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि काफ़ी पुराना है, अभी गवर्नमेंट इसको थोड़ा चेंजेस है वो कर रही है। इसी में एपीएमसी में भी इसका प्रावधान किया गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमें रेगुलेट किस तरीके से करना है, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के अगर इंटरेस्ट को सर्व नहीं किया जाएगा तो किसान भी फसल वगैरह नहीं बोएंगे, और अगर ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को भी सर्व नहीं किया जाएगा तो ट्रेडर्स भी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, तो दोनों के बीच में एक तालमेल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो एपीएमसी है उसमें भी प्रावधान किया गया है और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें भी प्रावधान किए गए हैं, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है उनकी डिटेल अच्छे से की गई है। इसके साथ जो विवाद का निपटारा है उसके लिए एक नया बिल बनाने की बात की जा रही है जो अभी तक पेंडिंग है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो नया बिल लेके तो आ रही है बट वो भी पेंडिंग, अगर वो बिल बन जाएगा उसके बाद उसमें और ज़्यादा पारदर्शिता वो आ जाएगी। तो मतलब मेन बात ये की गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रजिस्टर करना भी काफ़ी जरूरी होता है, इसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट है जो एग्रीमेंट वगैरह है इसमें प्राइस वगैरह पे हर चीज़ों पर क्लियर फोकस होना चाहिए कि भाई अगर इस कंडीशन में, जैसे कई बार हो सकता है कि किसान ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया कि हाँ भाई मैं आपको आलू अब 10 रुपये की रेट पर दे दूंगा, बट उस हो रहा है कि उस साल की जो फसल की कॉस्ट वो भी बहुत महंगी हो गई हो, तो किसान को वो बेचारे आलू खुद हुए 15 रुपये पर केजी पर, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो होना चाहिए, एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि हाँ भाई अगर ऐसा लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में कौन से स्टेप में उठाने चाहिए। तो ये थी हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले जल्दी से। सबसे पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया कि एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया, और इसके साथ लाइट टू लाइफ के बारे में कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को अलाउ कर दिया है, इसके साथ ही लिविंग विल है जो जीने की वसीयत है, जिंदगी की वसीयत है उसको भी अलाउ कर दिया है। यहाँ पे आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, कि भाई कोई भी इंसान जिए तो अपनी डिग्निटी के साथ जिए, ऐसा नहीं है कि तड़प तड़प के रो रो के जिए। इसके बाद हमने अगला आर्टिकल डिस्कस किया ट्रेड वार के बारे में और ट्रंप की जो प्रोटेक्शन की पॉलिसी है, किस तरीके से वो अपने आप पूरी दुनिया को हल्ला मचा रखे हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, कि कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग होती है, जो अनुबंध के ऊपर जो फार्मिंग होती है, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या उसके नुकसान हैं और क्या क्या गवर्नमेंट को स्टेप हैं वो उठाने चाहिए।
तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।